हरिद्वार में जेल से दो कैदियों के फरार होने पर बड़ा एक्शन लिया गया। जेलर और छह अन्य अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य अवकाश पर हैं, इसलिए कार्रवाई से बच गए। हरिद्वार पुलिस फरार कैदियों की तलाश में यूपी तक छापेमारी कर रही है। एसएसपी ने 10 टीमों का गठन किया है और एक एसआईटी की भी टीम बनाई है। आज सुबह 6:30 बजे जिला कारागार रोशनाबाद में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि दो कैदी कल रात से फरार चल रहे हैं और इस संबंध में पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए एसओ सडकुल तुरंत मौके पर पहुंचे। साथ में एसपी सिटी और इनकी पूरी टीम के द्वारा सीन ऑफ क्राइम का निरीक्षण किया गया। बाद में मेरे और डीएम के द्वारा भी जेल का निरीक्षण किया गया था। इसमें सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करने के साथ साथ जो भी इसमें उनके द्वारा इक्विपमेंट यूज़ किए गए, खासकर जो इसमें सीढ़ी का प्रयोग किया गया था और पाइप वगैरह का था, उसे तत्काल प्रिजर्व किया गया और सभी संभावनाओं को तलाशते हुए इसमें इन दोनों कैदियों के वेयरअबाउट्स को जाना गया और उनके लिए हमारी जो टीम है, करीब 10 टीमें हम लोगों के द्वारा अभी तक गठित की गई हैं, जो इनके वेयरअबाउट्स जितने भी हैं उसमें लगातार दबिश दे रही हैं, लगातार इसको सर्च कर रही हैं। इसमें जो कैदी हैं, इसमें एक 302 में सजायाफ्ता है पंकज, जो और दूसरा जो कैदी है वो राम कुमार, वो इस समय 364 में खासकर अपहरण के एक मामले में इस समय अंडर ट्रायल कैदी है। चमोली में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कांसे 2024 का 8वां संस्करण औली उत्तराखंड में संपन्न हुआ। यह अभ्यास 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक चला। समापन समारोह में कजाकिस्तान सेना के उप प्रमुख कर्नल डी खैमितोब और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। ऋषिकेश में ट्रैफिक पुलिस ने नशे में धुत ड्राइवर को पकड़ लिया जो सवारियों से भरी बस चला रहा था। सवारियों की सूचना पर पुलिस ने बस को रोडवेज बस स्टैंड के पास रोक लिया। ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रतापगढ़ में मूर्ति विसर्जन के दौरान महेशगंज थाना क्षेत्र के शिवगढ़ हरदोई पट्टी गांव में हादसा हो गया, जब लटकते बिजली के तार से मूर्ति में करंट उतर गया। करंट की चपेट में आने से 6 लोग झुलस गए। यह हादसा उस समय हुआ जब मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही थी। गोरखपुर में विजयदशमी के पर्व पर गोरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने श्रीनाथ जी का विशिष्ट पूजन किया और लोक कल्याण की प्रार्थना की। नाथपंथ की परंपरा के अनुसार उन्होंने मां जगत जननी की पूजा के बाद महायोगी गोरखनाथ जी के समक्ष हाजिरी लगाई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भक्ति की गूंज सुनाई दी। गोरखपुर में विजयदशमी पर गोरखपुर मंदिर में निकली पारंपरिक शोभा यात्रा में गोरक्षा पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर श्रद्धा और समरसता के फूल बरसाए गए। अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने भावपूर्ण स्वागत किया जिससे सामाजिक समरसता का संदेश और मजबूत हुआ। हापुड़ में राष्ट्रीय लोकदल के केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का पिलखुआ टोल पर जोरदार स्वागत किया गया। उनके आगमन पर राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष रविन्द्र प्रधान, प्रदेश सचिव हेमंत मिश्रा और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन निगला जारी है जिसमें थाना गढ़ मुक्तेश्वर की चेकिंग के दौरान 3 बदमाश मुठभेड़ हुए। जवाबी कार्रवाई में एक घायल समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आज थाना गढ़ मुक्तेश्वर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है तथा 2 अन्य की भी गिरफ्तारी की गई है। घायल बदमाश को अस्पताल पहुँचा दिया गया है। इनके कब्जे से थाना नरसेना जनपद बुलंदशहर से चोरी गई एक लाइसेंसी टीवी गन बरामद हुई है। रामपुर के धनुपुरा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ जिसमें 2 महिलाओं समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची जिसके बाद संघर्ष खत्म हुआ और आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया। श्रावस्ती में बीती रात बहराइच बलरामपुर रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें बाइक सवार 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 4 दिवसीय दौरे के 4थे दिन गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में नवरात्रि के विशेष अनुष्ठान किए। उन्होंने महानिशा पूजा, कन्या पूजन और विजय रथ यात्रा का आयोजन किया। इसके बाद गोरखपुर मंदिर परिसर में जनता दर्शन आयोजित किया जहां उन्होंने सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द समाधान के आदेश दिए। पीलीभीत में एनएच पर 2 कारों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई जिसके बाद दोनों कारों में भीषण आग लग गई। राहगीरों ने बामुश्किल घायलों को बाहर निकाला। इस हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए। हापुड़ में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव पेड़ा निवासी बस चालक ने शराब के नशे में एक महिला को रौंद दिया। बता दें, महिला मेला देखकर अपनी एक बेटी और बेटे के साथ वापस आ रही थी। महिला की हादसे में मौके पर मौत हो गई।
बहराइच में चंद्रशेखर आजाद रावण का काफिला श्रावस्ती के बौद्ध धर्म दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुजरा। इस दौरान कई पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया और समर्थन में नारेबाजी की। कन्नौज में भाजपा नेता महेंद्र सिंह बघेल ने जमीन पर कब्जे को लेकर हमला किया, जिसमें युवती सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुरसरायगंज के भवानीपुर गांव में हुई इस घटना के एक दिन बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे पीड़ितों को फिर से हमले का डर सता रहा है। हाथरस में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। दोनों पक्षों ने कई राउंड फायर किए और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसपी निपुण अग्रवाल ने इस मामले का संज्ञान लिया और दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया।